नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीएम योगी ने बद्रीनाथ धाम में की विशेष पूजा अर्चना, पर्यटक आवास का किया भूमि पूजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उत्तराखंड और यूपी दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 12 वर्ष बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में एक एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद, बर्फबारी से 8 घंटे केदारनाथ में ही फंसे रहे सीएम योगी व रावत। उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शीतकाल के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। उससे पहले यहां पहुंचे श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ बर्फबारी भी देखने को मिली है। सामने आई तस्वीरें काफी खूबसूरत हैं। भक्तगण प्रकृति के इस सुंदर सौगात को अपना तोहफा मान रहे हैं। वहीं दर्शन के लिए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए थे। इसी बीच भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ में 8 घंटे फंसे रहे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए पर मिलेंगे मकान और दुकान। कोरोना महामारी के बीच प्रवासी कामगार और मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारें इन कामगारों की दिक्कत कम करने के लिए कई काम कर रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों और गरीबों को किराए पर दिए जाने का फैसला लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार राजधानी लखनऊ में प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के लिए 40 मकान व 8 कमर्शियल दुकानें बनाने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास विकास दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई परिषद की बोर्ड बैठक के बाद आवास आयुक्त अजय चौहान ने ये जानकारी दी। पेंशन भोगियों को राहत, अब कई विकल्पों से जमा करा सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र जमा कराने के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ का फायदा उठाते रहने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि सभी पेंशन भोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के मौजूदा हालात में EPS 95 के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। ये सुविधा उन्हें उनके घर के पास या घर पर मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र को इन सभी प्रकारों या एजेंसियों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है और यह उतना ही मान्य होगा। नाकाम हुई दिल्ली को दहलाने की साजिश, स्पेशल सेल ने जैश के 2 आतंकियों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम की है। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। उनके कब्जे से 10 जिंदा कारतूस के साथ 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों की उम्र 20 से 22 साल के बीच है। दोनों सराय काले खा में किराए के मकान में रह रहे थे। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की वजह से आतंक के आकाओं ने इन्हें दिल्ली भेजा था। इनके निशाने पर कई VIP लोग थे। इन्होंने पूछताछ में बताया कि वे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे। उन्होंने सीमा पार करने की नाकाम कोशिश की थी। इन आतंकियों के पास से विस्फोटक और दस्तावेज बरामद हुए हैं। बराक ओबामा ने कहा, भ्रष्टाचार और घोटाले के बावजूद कई मायनों में सफल है आधुनिक भारत की गाथा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि आधुनिक भारत को राजनीतिक दलों के भीतर कड़वाहट, विभिन्न सशस्त्र अलगावादी आंदोलनों और भ्रष्टाचार और घोटाले के बावजूद कई मामलों में एक सक्सेस स्टोरी के रूप में गिना जा सकता है। 44वें अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नई पुस्तक में कहा है कि 1990 के दशक में अधिक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ने भारतीयों की असाधारण उद्यमशीलता की प्रतिभाओं को उकसाया,
जिससे विकास दर एक संपन्न प्रतियोगी की क्षेत्र और एक निरंतर विस्तार करने वाले वर्ग का विकास हुआ। अपनी पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा ने 2008 के चुनाव अभियान से लेकर अपने पहले कार्यकाल के अंत तक की यात्रा के दौरान साहसी एबटाबाद छापे के बारे में लिखा है कि अल्कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार डाला। ए प्रॉमिस्ड लैंड दो नियोजित संस्करणों में से पहला है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।